और ये भी गुफा देखिए, पहले आप इसके नीचे जाएंगे तो इसके नीचे और भी जाएंगे, तो सर झुकाते हुए जय माता दी बोलते हुए इसके अंदर चलते हैं और देखिए काफी झुक के जाना पड़ता है। जय माता दी। तो यहाँ पे माता जी हैं। तो गाइस अभी हम हैं अपने लोकेशन पे और आज हम जाएंगे माया बाजार होते हुए सिंगी ऋषि अयोध्या मंदिर है, मंदिर जो सरयू नदी के तट पर है और 37 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। हाँ देखिए लोकेशन, तो आप इजीली जा सकते हैं। और ये माया बाजार है, एक गोसाईगंज जाता है और एक माया बाजार जाता है और ये है अयोध्या अपना। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जय श्री राम, मैं पवन यादव। तो गाइस आज हम उस जगह पे खड़े हैं जो रामायण काल से रिलेटेड है, पौराणिक स्थानों में से एक स्थान है। तो जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाई दिया था कि हम लोग आए हैं अयोध्या से 37 किलोमीटर दूर सिंगी ऋषि आश्रम। तो सिंगी ऋषि आश्रम ये महबूबगंज के पास पड़ता है और जनपद अयोध्या ही लगता है। और इसका इतिहास, ये सिंगी ऋषि क्यों पड़ा तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसका इतिहास ये है कि अयोध्या के जो राजा थे दशरथ जी, उनको पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अपने गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, इसका हल पूछते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने इसका हल ये बताया था यज्ञ करवाने को। तो दशरथ जी यज्ञ करवाए थे उनके द्वारा, तो पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो 4 भाई हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जो सिंगी ऋषि आश्रम ये है, तो जो सिंगी ऋषि जो थे उनका यहाँ पर नाम इसलिए पड़ा है इस स्थान का, क्योंकि यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है और जो हवन हुआ था तो उनकी समाधि यहाँ पर है, जो सिंगी ऋषि थे। तो आज हम वहीं आए हैं, चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाते हैं सिंगी ऋषि आश्रम। तो ये सिंगी ऋषि आश्रम में गुफा भी है जहाँ पर जो ऋषि जी हैं उनका समाधि बनी हुई है और जो उनकी पत्नी थी शांता माँ, उनका भी यहाँ पे समाधि बना हुआ है। और शांता माँ कौन है, कई भाई लोग नहीं जानते हैं शांता माँ कौन है। शांता माँ प्रभु श्री राम जी की बड़ी बहन थी, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी की बड़ी बहन भी हैं। तो बड़ी बहन का नाम शांता था, तो आप कहीं भी सर्च करिएगा तो कहीं कहीं नाम आता है शांता का, क्योंकि जो राजा दशरथ थे उन्होंने, कोई राजा था, मुझे राजा का नाम नहीं पता, तो उनको वो दे दिए थे, दान दे दिए थे, तो उनसे ये शादी किए थे सिंगी ऋषि जो थे। और जब पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कराए थे तो सिंगी ऋषि ने ही करवाए थे, और सिंगी ऋषि जो हवन कराए थे वो नदी के उस पार कराए थे जो बस्ती में पड़ता है। वैसे हम लोग जो महबूबगंज से आए थे तो यही रास्ता सीधे पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी सारी मंदिरें भी हैं इस साइड। तो इस साइड देखिए, तो चलते हैं नदी के पास और इस साइड भी देखिए, इस साइड भी मंदिर है, शनिदेव का भी मंदिर है और यहाँ पे पेड़ और नदी काफ़ी ज़्यादा है। और जो ये नदी आपको दिखेगी वो नदी सरयू नदी है जो अयोध्या से होते हुए आई है। तो अभी वहाँ भी चल के दिखाते हैं आपको। और इस साइड देखिए शनि के किनारे ही तो शिव जी का मंदिर दिख जाएगा, और शिव जी का मंदिर के बाद इस साइड आप देखोगे तो नदी है। तो इसका जो गुफा है तो इसके नीचे है नदी के पास में, तो इस साइड आप देखेंगे तो आपको गुफा दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और लहर नदी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सरयू माता की, सरयू माता है जो अयोध्या से बहते हुए आई है और सिंगी ऋषि। और जो उस साइड आप देखोगे तो ये बस्ती पड़ता है, तो उसी साइड में यहाँ पर हवन हुआ था और यहाँ पे उनका समाधि बना हुआ है, सिंगी है जो सिंगी ऋषि का समाधि है। तो चलिए चलते हैं गुफे के अंदर में। तो आपको आना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है, बट यहाँ वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद आप यहाँ से आए हैं उसके बाद इसके नीचे और भी जाएंगे, तो इसके नीचे आप इस साइड देखिए, ये गुफा है जो बनाया गया है इस साइड, और यही है समाधि बनी हुई है इनकी, भगवान जी की। तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आप इस साइड देखिए, ये समाधि बनाई गई है, ऐसे समाधि है ये सिंगी ऋषि जो बाबा हैं, और ये गुफा बनाया गया है ऐसे यहाँ पे, और काफ़ी नीचे गुफा बनाया गया है नदी के। और इस साइड आप देखेंगे तो ये पूरा गुफा है। तो चलिए चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। तो ये गुफा है, ऐसे यहाँ पे दर्शन करते हैं, और ये नदी से बहुत नीचे बनाया गया है ये गुफा, ये देखिए। तो यहाँ पे ऐसे श्रद्धालु आते हैं। तो गाइस आपने दर्शन किया सिंगी ऋषि जो बाबा जी थे उनका समाधि स्थल ये है, और जो हवन कराए थे प्रभु श्री राम जी के लिए, तो नदी उस पार कराए थे जो बस्ती में पड़ता है। तो चले चलते हैं, और शांता माता जो है इनकी धर्म पत्नी, उनसे वो जो उनका बनाया गया समाधि स्थल, तो वहाँ गुफा के अंदर में आ गए हैं। तो ये भी गुफा बनाया गया जो शांता माँ थी। तो चलिए चलते हैं गुफा के अंदर में, और ये भी गुफा देखिए, पहले आप इसके नीचे जाएंगे तो इसके नीचे और भी जाएंगे, तो सर झुकाते हुए जय माता दी बोलते हुए इसके अंदर चलते हैं। और देखिए काफ़ी झुक के जाना पड़ता है, जय माता दी। तो यहाँ पे माता जी हैं, इस साइड में दिखाता हूँ आपको। तो ये शांता माता जी हैं और ये उनकी धर्म पत्नी हैं सिंगी ऋषि की, यानी प्रभु श्री राम जी की बड़ी बहन इन्हीं हैं। तो इनको नमन है हमारा, जय माता दी। तो आप दर्शन कर लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी की बड़ी बहन जो है उनका नाम शांता है, तो यही है। तो आप देखिए गुफा बनाया गया है इस साइड, देखिए गुफा, ये पूरा गुफा है, और यहाँ पे ऐसे पिंड जैसे पिंडी टाइप में होती हैं वैसे बनाया गया है, जैसे हम लोग के यहाँ घर में देवता रहते हैं वैसे। तो गाइस बाहर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है इसके अंदर, और
बहुत नीचे है ये, चलते हैं, बहुत नीचे है। और गुफा देखिए आप, उन जो सिंगल ऋषि का बना हुआ है समाधि स्थल, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे बनाया गया है, काफ़ी गर्मी भी लग गई है। तो चलिए चलते हैं बाहर। और यहाँ भी आप लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है। तो अगर आप अयोध्या आएँ तो 37 किलोमीटर दूर महबूबगंज अयोध्या के पास आएँ, यहाँ पर सिंगे ऋषि आश्रम है, किसी से भी पूछेंगे, और मैप भी मैंने दे दिया है शुरुआत में, तो आप इजिली आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और इसका कैंपस दिखाते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो आपको इस साइड दिखाया था जो मंदिर है, और इधर साइड में आप जैसे कथा वगैरह कराना हो या कोई भोजन या मुंडन वगैरह, तो यहाँ पर करा सकते हैं। और जैसे कढ़ाई वढ़ाई भी दी जाती है यहाँ पर, गाँव के लोग कढ़ाई भी देते हैं, वैसे शहर वाले भी जानते होंगे कढ़ाई देना क्या होता है, नदी के किनारे, सरयू माता के किनारे। तो यहाँ भी काफ़ी मंदिर बनाई गई हैं, उस साइड भी बहुत सारी मंदिरें हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है, उधर शनिदेव की मंदिर है, और यहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कथा बहुत होता है, हवन बहुत होता है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए हवन यहाँ कराते हैं, जैसे राजा दशरथ जी ने करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो देखिएगा आप कैंपस। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं, आपको मंदिर मैंने दिखाया, और आप ऐसे विजिट कर सकते हैं, जैसे मैप मैंने आपको पहले, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, मैंने मैप दिखाया था, तो उस मैप के द्वारा आप आ सकते हो। तो अगर आप अयोध्या हो तो यहाँ से 37 किलोमीटर पड़ता है, तो आप अयोध्या में आपको ऑटो मिल जाएगी देवकाली मंदिर के लिए, तो आप देवकाली मंदिर या देवकाली बाईपास से आ सकते हैं। तो चले चलते हैं, आपको थोड़ा महबूबगंज दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं महबूबगंज मार्केट, तो सिंगी ऋषि से बाहर आ गए हैं, तो ये महबूबगंज मार्केट है, साइड आप देखोगे तो काफ़ी पुराना मार्केट है अभी। तो चले चलते हैं, महबूबगंज से आप सीधे आप जाएंगे तो अब ये पड़ेगा दिलासीगंज मार्केट, उसके बाद मया बाजार पड़ेगा, उसके बाद पूरा बाजार, उसके बाद आपको दर्शन नगर, फिर उसके बाद आपको देवकाली बाईपास पड़ेगा, तो आप सीधे आ सकते हो। तो गाइस आगे अगर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, रेड वाली बटन को ग्रे कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकली बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।